आप सब यहाँ पे मायरा के संग हमारी पहली ट्रैवलिंग है सडनली हम लोग को निकलना पड़ा क्योंकि कोई प्लान नहीं था बिना प्री प्लान हम लोग अचानक से चल दिए अपनी मंजिल की ओर और, और रास्ते में जाते समय इस तरह से पफू और मायरा अपने सीट को एक्सचेंज करते हुए भैया के संग मस्ती करते हुए और यहाँ पे हम लोग कुछ दूर निकले तो फिर हम लोग को ये लगा कि पहले जो है ब्लॉक सूट नहीं करते हैं रात में काय का ब्लॉक सूट करें कुछ समझ ही नहीं आता जगह का कुछ पता ही नहीं चलता है तो भी हमने थोड़ा थोड़ा सा सूट आप लोग के लिए कर लिया है ब्लॉग्स थोड़ा लेट जा रहा है गाइड उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं डाल नहीं पाते ब्लॉगिंग तो कंटिन्यू रहती है मगर डाल नहीं पाते और जाम भी कुछ ज़्यादा ही थी तो हम लोग जाम को क्रॉस करते हुए पहुँचे पेट्रोल पम्प पे अपने टंकी को फुल करवाने के लिए और गाड़ी में हवा चेक करवाने के लिए क्योंकि तो हवा कुछ कम लग रहा था और यहाँ पफू कितने अच्छे से ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि पहले पेट्रोल ले लेते हैं उसके बाद कुछ आगे किया जाएगा तो यहाँ पे हम लोग ने आगे पेट्रोल पंप पे और अपने गाड़ी में पहले टंकी को करवाया फुल मायरा को लग गई थी पॉटी यहाँ पे तो मायरा पॉटी कर रही थी और पेट्रोल हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है और अपने जर्नी को अब करेंगे प्रॉपर स्टार्ट तो जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक हम ब्लॉगिंग करेंगे उसके बाद फिर हम डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे मिलेंगे तो यहाँ पे हम लोग पेट्रोल वगैरह ले लिए हैं और अपने जर्नी को कर दिए हैं स्टार्ट तो पफू कितने से जाके बैठ गया है यहाँ पे हम बच्चों के संग लॉलीपॉप खा रहे थे और फिर यहाँ मायरा सो चुकी थी मानू भी सो चुका था मायरा ऊपर थी मानू नीचे था सोते हंसते खेलते सो चुके थे सब और बात करते करते मुझे भी नींद आ रही थी तो हमने भी सोचा कि थोड़ा देर सो जाओ क्योंकि जर्नी जो है थोड़ी लंबे दूरी की है यहाँ पे मायरा के उठ गई थी परेशान कर रही थी तब तक ने हम लोग ने बातचीत करते हुए यहाँ पे पहुँच गई हूँ यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं ये हम लोग हाजीपुर क्रॉस कर रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सा सूट कर लेते हैं गाइस कहे तो कि फर्स्ट टाइम हम इतने लंबे दूरी की जो सफ़र है वो कंप्लीट कर रहे थे और हाजीपुर क्रॉस करने के बाद हमने डायरेक्ट मेरा आँख खोला पटना पुल दीघा पुल पे तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सूट कर लिया इस पुल का उसके बाद हम आपको मिलेंगे पहुँच के क्योंकि तो मुझे भी काफ़ी नींद आ रही थी और मैं भी सो गई थी तो इस तरह से हंसते खेलते मैं मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी थी ब्लॉग्स को थोड़ा सा मेरे प्यार दीजिएगा और कंटिन्यू बने रहिएगा ब्लॉक इसी में और भी आगे जाएगा वेलकम YouTube चैनल कनेक्खा कैसे हो आपसे बई होप अच्छी हो गए मैं पहुंच गई हूँ अपने मैके और यहाँ पर बना रही हूँ मैं खाना तो मम्मी यहाँ पे बाबू को बॉटल धो रही है जल्दी जल्दी -दि काम हो रहा है हॉस्पिटल जाने का एक्साइटमेंट है तो जल्दी -दि जल्दी से काम कर लेते हैं उसके बाद मैं मिलती हूँ और फिर बातचीत होगी आपसे Finally गए थे यहाँ पे हम लोग का दूसरा चाय हो चुका है और यहाँ भी महीना हाली है और यहाँ देखिए मोतियाबंद से बस ये आज ये कैसा क्रीम है तो कि लगा लो सब लगा यहाँ पे भैया जा रहे हैं तैयार होके ऑफिस और हम लोग भी रेडी होके जा रहे हैं डॉक्टर के पास आज वो टाइम इज़ ओवर जिस चीज़ का हम लोग को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और यहाँ मम्मी बना रही हैं खाना कि जल्दी जल्दी हो जाए तब तक हम लोग आते हैं डॉक्टर के पास से देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं मायरा की तबीयत बहुत हो चुकी है ख़राब उसके ईयर्स में भी पेन है तो यहाँ पर हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं और डॉक्टर को दिखवा के फटाक से आना है फिर भाभी को लेकर हम लोग को डॉक्टर के पास जाना चाहिए डॉक्टर गाइज फाइनली हम लोग डॉक्टर के यहाँ आ गए हैं फाइनली गाइस हम लोग डॉक्टर के पास आए थे डॉक्टर माही का इस तरह से ले लिया कि पूछो मत बोलते तो एकदम फैक्ट बात है बट मत पूछिए गाइस ऐसा होता रहता है मायरा यहाँ आ गई है मायरा की तबीयत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब चलिए तो चलते हैं और दिखाते हैं हे गाइस फाइनली हो चुके हैं हम लोग रेडी खा पी के अब यहाँ पे हम लोग का बैग भी हो चुका है रेडी और भाभी भी हो चुकी हैं रेडी अब वो वेट जो है हम लोग का ख़त्म हो गया है कि कब हम लोग बुआ बनने वाले हैं और भाभी भी फाइनली सब कुछ बहुत एक्साइटेड है अब चलते हैं डॉक्टर के हैं और देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे हम लोग गैस निकल गए हैं अभी हम लोग जा रहे हैं हम मम्मी भाभी मायरा सब अभी जा रहे हैं बाबू और पापा पीछे से आएंगे जब ऐसा कुछ होगा तब तो यहाँ पे पहले डॉक्टर को दिखवाना है तो यहाँ पे हम लोग कार से निकले। चलो, 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 चलो। भाभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी हर लड़की के लिए ये मोमेंट जो होता है बहुत ही इमोशनल वाला होता है हम सब लोग समझ सकते हैं मम्मी इनको समझा रही थी बट इनको थोड़ा सा फील हो रहा होता है उसके बाद यहाँ पे हम लोग आधे रास्ते पहुँच चुके थे मम्मी बहुत समझा रही थी बहुत समझा रही थी तो भी होता है कि उस मोमेंट में लोग सोचते हैं कि मेरे मेके वाले रहे मगर उनके मैके में भी कुछ ऐसा हो गया था कि वो लोग लो नहीं आ सकते थे यहाँ पे हम लोग डॉक्टर के पास फाइनली पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल के बाहर अब हम लोग जा रहे हैं अंदर भाभी को थोड़ा डर लग रहा था हर लड़की को डर लगता है इस मोमेंट में मगर बउआ जी बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहे थे यहाँ पर आते ही भाभी का बीपी चेक हुआ क्योंकि भाभी का बीपी जो है थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था मगर ये डॉक्टर बहुत अच्छी हैं बहुत मैनेज करती बहुत रिस्क लेती हैं फिर जैसा होगा देखा जाएगा यहाँ पे डॉक्टर का वेट हो रहा था डॉक्टर कहीं गई हुई थी उसके बाद जैसे ही डॉक्टर आई तो यहाँ भाभी को बुला के चेक कर रही थी उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पर फिर से भाभी को इंजेक्शन पड़ा वही एक दो घंटे में काफ़ी इंजेक्शन पड़ गया था पता नहीं क्या वो सोच रही थी किस वजह से उनको भी, भी नहीं पता बढ़ रहा था हँसाने की कोशिश कर रहे थे इतना बोलने की कोशिश कर रहे थे मगर इनके मन में अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि चल रहा है यहाँ पे भैया भी मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और उसके बाद ये